गर्मियों में दिन भर कुछ ना कुछ पीने का मन होता है एनर्जी के लिए, लेकिन हमें कुछ ऐसी ड्रिंक की जरूरत होती है जो रिफ्रेशिंग तो हो ही साथ में हमें अंदर से कूल रखे। तो उसके लिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ड्राई रोज पेटल से बने हुए 3 ड्रिंक जो टेस्टी और रिफ्रेशिंग तो है ही, साथ ही उनके मेडिसिनल बेनिफिट्स भी बहुत है। नमस्ते, दिस इज पूजा, इंडियन ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बनाएंगे रोज ड्रिंक। तो इसके लिए एक पैन में ऐड करेंगे 1 कप ऑफ वाटर, साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून ड्राई रोज पेटल्स। इनको मैंने थोड़ा सा वॉश कर लिया है, वैसे मैं वॉश करके ही ड्राई करती हूँ। इन सभी ड्रिंक्स को आप फ्रेश रोज पेटल से भी बना सकते हैं। अब हम इसमें 1 से 2 उबाल आने देंगे। बॉयल आना स्टार्ट हो गया है और बहुत ही अच्छा अरोमा इसमें से आ रहा है। इस रोज ड्रिंक को आप दिन में 2 बार भी ले सकते हैं आराम से, मील के बाद में ये बहुत ज्यादा फायदा करता है। काफी अच्छे से बॉयल आ गया है, इसमें अरोमा भी बहुत अच्छा आ रहा है। इस रोज वाटर के काफी हेल्थ बेनिफिट्स हैं, दिस इज गुड फॉर डाइजेशन। और इस रोज वाटर को आप एज ए फेशियल टोनर भी यूज कर सकते हैं। नाउ दिस इज डन, इसको हम एक कप में छान लेंगे। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। वाह, चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे ड्रिंक की तरफ। अब हम बनाएंगे रोज ग्रीन टी। एक पैन में 1 कप वाटर ऐड करेंगे, साथ ही ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून रोज पेटल्स। और 1 टीस्पून ग्रीन टी लीव्स। हमें ग्रीन टी की जो लीव्स है वो कम ही डालना है क्योंकि हमें रोज का फ्लेवर ज्यादा चाहिए। ये मैं आसाम टी लीफ का यूज कर रही हूँ, आप कोई भी ग्रीन टी ले सकते हैं। इसमें भी 1 से 2 बॉयल आने देंगे। रोज पेटल्स ना कूलिंग एजेंट होता है, तो ये हमें गर्मियों में ठंडक देता है, कूल रखता है। इसको एक बार जरूर ट्राई करिएगा, ये आपको जरूर अच्छा लगेगा। और अगर आपके पास ड्राई रोज पेटल्स नहीं है तो आप फ्रेश रोज पेटल से भी इनको बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा अरोमा इसमें से आना स्टार्ट हो गया है, बॉयल भी आ गया है। नाउ इट इज डन, इसको भी हम छान लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हनी। हनी ऑप्शनल है क्योंकि मैं इसको विदाउट हनी ही लेना पसंद करती हूँ। तो हमारी ये गर्मा गर्म फूलों की चाय तैयार है। अब थर्ड ड्रिंक हम बनाएंगे रोज पेटल्स आइस टी। आइस टी के लिए सबसे पहले एक पैन में 1 कप वाटर ऐड करेंगे और इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून रोज पेटल्स। साथ ही डालेंगे थोड़े से फ्रेश रोज पेटल्स। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून शुगर। शुगर का मैं यूज कम ही कर रही हूँ, आप अब इसमें भी 1 से 2 बॉयल आने देंगे। ये एकदम नेचुरल ड्रिंक्स हैं, इनमें कोई भी आर्टिफिशियल एसेंस नहीं है। ऑल दीज ड्रिंक्स आर हेल्पफुल इन यूरिन इन्फेक्शन, क्योंकि रोज एक कूलिंग एजेंट है तो ये हमें अंदर से कूल रखता है।
बॉयल आ गया है हमारा रोज सिरप रेडी है, इसको भी छान लेते हैं। अब हम अपने इस रोज सिरप को ठंडा कर लेते हैं। अब हम टी वाटर बना लेते हैं। अगेन एक कप पानी ऐड करेंगे और इसमें हाफ टी स्पून चाय की पत्ती ऐड करेंगे। इसमें आप कोई भी टी लीव ले सकते हैं, नॉर्मल जो डेली यूज में होता है। इसमें भी बॉयल आ गया है, फ्लेम ऑफ कर देते हैं। चाय के पानी को भी हम छान लेंगे। और अब इसको ठंडा होने के लिए रख लेते हैं। अब हम आइस टी को असेंबल करेंगे। तो सबसे पहले ग्लास में डालेंगे आइस, इसके बाद इसमें हम डालेंगे अपना रोज सिरप। अब हम इसमें ऐड करेंगे चाय का पानी। लाइम जूस ऐड करेंगे। रोज पेटल से गार्निश करेंगे। एक रोज पेटल से 3 नेचुरल ड्रिंक्स हमारे रेडी हैं, जिसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन तीनों ही अलग अलग डिफरेंट टेस्ट के ड्रिंक्स हैं। नेचुरल ड्रिंक्स हैं जो कि बहुत हेल्दी हैं, डाइजेशन के लिए हेल्दी हैं, यूरिन इन्फेक्शन के लिए हेल्दी हैं, और कोई भी इनमें आर्टिफिशियल एसेंस नहीं है। इनको एक बार जरूर ट्राई करिएगा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही डिफरेंट और इजी रेसिपीज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।